सुप्रभात बच्चों, हिंदी का हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। अब हम हिंदी में करेंगे दोहरान कार्य। उसमें आज से हम लोग ग्रामर स्टार्ट करें, जो हमारा सुगम हिंदी व्याकरण है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पार्ट 9 से हम लोग विशेषण से शुरुआत कर रहे हैं। तो पार्ट 9 का आज हम लोग दोहरान करेंगे विशेषण। पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, याद भी आपको करनी है। कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताऊंगी, एग्जांपल्स आप लोग बुक में ही कर लीजिएगा, ठीक है। जो शब्द सबसे पहले तो हमने, जब हमने ये पाठ पढ़ा था तो एक हाथी का चित्र हमें दिखाया गया था। तो हाथी के चित्र को दिखाकर हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने को कहे गए थे कि हाथी की एक लंबी सूंड है, हाथी की एक छोटी पूंछ है, हाथी के बड़े बड़े कान हैं, है ना, हाथी के दो कान हैं, हाथी की छोटी छोटी आंखें हैं। तो हाथी की कितनी पूंछ है? एक। तो ये जो एक, छोटी, बड़ा, लंबे, सुंदर, काला, सफेद, ये जो शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण। जैसे मैं बता दूं आपको कि हाथी बड़ा ताकतवर जानवर है। तो कैसा जानवर है? ताकतवर है। कैसा जानवर है? डरपोक है। कैसा है? जिराफ जैसे लंबा है, लंबा जानवर। तो लंबा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो लंबा, छोटा, बड़ा, ये सारी जो शब्द जो हम प्रयोग करते हैं संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषता बताने के लिए, वो कहलाते हैं विशेषण शब्द। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लिख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, या उन्हें विशेषण कहते हैं, भी लिख सकते हैं। उन्हें कोमा लगा दीजिएगा, विशेषण कहते हैं। ये तो हुई हमारी परिभाषा। अब जैसे कोई विशेषता बताने वाले शब्दों में क्या क्या हो सकते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों में क्या क्या हो सकते हैं? गुण संख्या, गुण बताएंगे, संख्या बताएंगे, और नाप तोल बताने वाले, और नाप तोल बताने वाले शब्द होते जैसे लंबा, सुंदर, दो। ये सारे क्या हैं बच्चों? नाप तोल बताने वाले, गुण बताने वाले, संख्या बताने वाले शब्द हैं। तो अब जब हमने इसके प्रश्न अभ्यास प्रश्न किए थे, तो हमने कुछ जैसे मौखिक प्रश्न उत्तर में आपके था, आपके पास कितने खिलौने हैं, तो आप नंबर ऑफ आपकी जो टॉयज होंगे वो बताएंगे। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, ये क्या है बच्चों? 1, 10, ये संख्या जो है वो विशेषण है। आपका घर कैसा है? मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर छोटा है, ये जो शब्द छोटा, बड़ा, सुंदर, ये शब्द आपके घर की विशेषता बता रहे। मेरा घर लाल रंग का है, मेरा घर पीले रंग का है, जो भी कलर आपके घर का है,
मेरा घर दो मंजिला है, ये शब्द विशेषता बता रहे हैं आपके घर की। तो ये क्या है? विशेषण। घर क्या है? नाउन है। प्लेस है? नाउन है, संज्ञा है। खिलौने टॉयज क्या है? थिंग है, तो नाउन है। बस नाउन पहचानना सीखिए, नाउन और प्रोनाउन पहचानना सीखिए। क्या होता है? मैं, तुम, यह, वह, आप, ये, वे, ये सारे सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे। नाउन नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग और एनिमल, ये ध्यान में रखिए। नाउन संज्ञा और सर्वनाम को तो बहुत अच्छे से पहचान लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन। अब आपके डिटेल उसकी टाइप्स आएंगी, टाइप्स में भी फिर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो बेसिक जो नाउन और प्रोनाउन है वो तो आपको आ जाना चाहिए। विशेषण एडजेक्टिव ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों जो नाउन और प्रोनाउन है, संज्ञा और सर्वनाम है, उनकी विशेषता ही बता रहे हैं। ये तो एटलीस्ट आपको सेकंड तक क्लियर हो जाने चाहिए ये शब्द, ठीक है। विशेषण शब्दों में निशान लगाइए। अच्छी, मैं, राम। राम कौन है? पर्सन है, संज्ञा। मैं प्रोनाउन है ना, मैं अपनी जगह मैं का यूज कर सकती हूँ, मैं, मैम, तो ये होगी सर्वनाम। अच्छी, अब अच्छा बुरा ये विशेषता बताने वाला शब्द हो गया, तो ये हो गया विशेषण। ऐसे आपको शब्दों में पता हो जाना चाहिए कि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, तब इट मीन्स आपको ये चीज आ गई। तुम कच्चा और राधा, राधा गर्ल का नेम है, नाउन है। कच्चा विशेषता बता रहा है, आम कच्चा है या पका हुआ, फल कच्चा है या पका हुआ, घर कच्चा है ना, जो घरौंदे वाले जो घर होते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं, कच्चे घर जिनको बोलते हैं कच्चा। फिर तुम सर्वनाम है, यू। किताब कपड़ा मीठा, किताब ठीक है, तो हम उसको नाउन में लेके आएंगे। कपड़ा जो हमारा फ्रॉक है, क्लॉथ्स है, और मीठा स्वीटनेस बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है किसी भी चीज की। फल मीठा है, गुड़ मीठा है, शक्कर मीठी है। ये लंबी, लड़की और स्कूल, लड़की और स्कूल, लड़की पर्सन में आ रही है, स्कूल प्लेस में आ रहा है, दोनों संज्ञा है। लंबी, लंबी विशेषता बता रहा है, चाहे किसी की भी बताओ तो ये विशेषण है। ताकतवर, आप और हाथी। हाथी कौन हो गया बच्चों? एनिमल है तो नाउन, आप सर्वनाम हो गया, और ताकतवर विशेषता बताने वाला शब्द, तो ये हो गया विशेषण, ठीक है। जैसे रंग बिरंगी तितली है, तितली नाउन है, संज्ञा है, तो कैसी है तितली? रंग बिरंगी। बंदर कैसा है? शरारती। लड़की कैसी है? नटखट। और पेंसिल कितनी है? दो। फिर चित्रों को देख के ये भी हमने कर लिया था, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखे, ये भी हमने कर लिया था। रमा एक सुंदर लड़की है, मुझे एक गिलास दूध तो दो, रम सुंदर, एक टोपी और सार, ये आपके क्या हो गए? विशेषण शब्द। तो अब गतिविधि में देखते हैं, गतिविधि से पता लगाते हैं हम लोग। चाचा नेहरू किस रंग का गुलाब लगाते थे? वो हमेशा अपनी जो जैकेट होती, अचकन होती थी, उसके अंदर गुलाब लगाते थे। आपके घर में कितने लोग हैं? वो संख्या आपको बतानी है। आपका स्कूल किस रंग का है? ये रंग आपको बताना है। आप कितनी रोटी खाते हैं, कितनी चपाती खाते हैं? तो नंबर, कलर, रंग हो गया, उसका कलर हो गया, उसकी संख्या हो गई, उसका गुण हो गया, ये सब क्या है? विशेषण। तो आज आपको ये विशेषण की परिभाषा और जो विशेषण के शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, क्या बताते हैं वो, और कुछ उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिख के, और इसको वर्बली, इसको ओरली, ये जो अभ्यास प्रश्न है उनको आपको करने हैं। फिर हम आएंगे क्रिया पर, क्रिया में क्या क्या होता है वो सारा हम लोग पढ़ेंगे, और कभी कभी बीच बीच में हम लोग टेस्ट भी ले लेंगे। चित्र वर्णन बताई दिया था मैंने आपको, कोई भी चित्र आ जाता है तो आपको उस चित्र को देखकर वाक्य बनाने, छोटे छोटे से वाक्य बनाने, ज्यादा बड़े बड़े या बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सिंपल सा आपने जो छोटा बच्चा सेंटेंस जैसे बनाता है वैसे आपको बनाना, छोटे छोटे सेंटेंस वर्मल आती है आपको। वाक्य बनाओ हम लोग कर चुके हैं, अभी और भी लिखेंगे हम लोग वाक्य बनाओ। बस वाक्य बनाने आपको चित्र देखकर वाक्य बनाना, उस चित्र में क्या दिख रहा है वो आपको। और मैंने बता दिया था का प्रयोग नहीं करना है, का ही प्रयोग करना है। दिखाई दे रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, इतने लड़के हैं, और लड़का लड़की की प्लेस पे आप उनको नाम भी दे सकते हो। तो एक चित्र वर्णन मैं और कराऊंगी, तो आज तो आप विशेषण कर लीजिए, फिर मैं एक चित्र वर्णन आपको, एक एग्जाम्पल, हो सकता है चित्र अलग आ जाए पर आपको उसको लिखना आ जाएगा, इतना अभ्यास आपका हो जाएगा।